हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश। सब सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस सैनिक नाइट्स वर्सेस बुश डिफेंडर्स के बीच में होने वाले 11th मैच के बारे में। और ये मैच अफगानिस्तान लीग स्पर्गिजा T20 लीग है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11, कैप्टन और वाइस कैप्टन, की प्लेयर्स, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, और इसके साथ साथ हम कवर करने वाले हैं दोनों टीम की परफॉर्मेंस और हेड टू हेड, और उसके साथ साथ ड्रीम इलेवन टीम। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये मैच देखा जाए तो कबूल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएंगे। और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 2:30 बजे होने वाला है। और यहाँ पर मिसाइक नेट्स की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर में आपको नजर आएंगे मोहम्मद शहजादे, हसमतुल्ला साहिदी, नजीब ताराकई, बहार अली, कामाई जदरन, मोहम्मद राबी, शहीदुल्ला कमल, अब्दुल रहमान, दौलत जदरान, नूर अहमद और सबूत जदरान है। वही बुश डिफेंडर्स की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर में आपको नजर आएंगे इशक जाजाय, रहमत शाह, ईशानुल्ला, गुलबदीन नायब, करीम जन्नत, अमीर हमजा, सैयद शेरजाद, इमरान जन्नत, हंजाला, सफिकुल्ला जफारी, बकरुल्ला इशक है। और यहाँ पर मिस सैनिक नाइट्स के की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद शहजादे ने लास्ट 3 मैचों में 128 रन बनाए। और यहाँ पर नूर अहमद की बात करें तो लास्ट 10 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। और यहाँ पर अब्दुल्ला मजारी की बात करें तो लास्ट 3 मैचों में 7 विकेट मिला फ्रेंड्स, सो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर मोहम्मद नाबी की बात करें तो लास्ट 9 मैचों में 171 रन है, लेकिन इनकी अभी गारंटी नहीं है। यहाँ पर हसमतुल्ला साहिदी की बात करें तो 3 मैच में 118 रन है फ्रेंड। और यहाँ पर मिस सैनिक नाइट्स के प्लेयरों की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद शहजादे ने लास्ट 122 मैचों में 3531 रन बनाए। यहाँ पर हसमतुल्ला साहिदी की बात करें तो 23 मैचों में 484 रन है। नजीब तराकई की बात करें तो 31 मैचों में 668 रन है। और यहाँ पर शहीदुल्ला कमल की बात करें तो लास्ट 22 मैचों में 439 रन के साथ साथ 18 विकेट है। यहाँ पर अब्दुल रहमान की बात करें तो लास्ट 3 मैचों में 26 रन और 1 विकेट है। यहाँ पर इब्राहिम खान की बात करें तो 71 मैचों में 1371 रन के साथ साथ 64 विकेट है। यहाँ पर वही दबला जदरान की बात करें तो 56 मैचों में 73 विकेट है। यहाँ पर सफूर जदरान की बात करें तो 68 मैचेस में 73 विकेट है फ्रेंड। यहाँ पर नूर अहमद की बात करें तो लास्ट 7 मैचों में 8 विकेट है। यहाँ पर अफसर जदा की बात करें तो 16 मैच में 315 रन और अब्दुल बाकी की बात करें तो 11 मैच में 10 विकेट है। यहाँ पर वही बुश डिफेंडर्स की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर रहमत शाह ने लास्ट 21 मैचों में 270 रन के साथ साथ 6 विकेट लिए हैं। यहाँ पर मुनीर अहमद की बात करें तो लास्ट 5 मैचों में 112 रन बनाए। यहाँ पर ईशानुल्लाह की बात करें तो 21 मैचों में 447 रन है। यहाँ पर गुलबदीन नाइब की बात करें तो एक्सपीरियंस प्लेयर अफगानिस्तान के लिए 9 मैचों में 218 रन के साथ साथ 10 विकेट है। यहाँ पर करीम जन्नत की बात करें तो 48 मैचों में 631 रन के साथ साथ 50 विकेट है। और इमरान जन्नत की बात करें तो लास्ट 2 मैचों में 76 रन बनाए फ्रेंड। यहाँ पर सैयद शेरजाद की बात करें तो लास्ट 3 मैचों में 3 विकेट लिए हैं। और यहाँ पर बुश डिफेंडर्स प्लेयरों की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मुनीर अहमद ने लास्ट 6 मैचों में 156 रन बनाए। और यहाँ पर रहमत शाह की बात करें तो 21 मैच में 270 रन के साथ साथ 6 विकेट है। वही ईशानुल्लाह की बात करें तो यहाँ पर 21 मैच में 447 रन। और नाइजर वहादत की बात करें तो लास्ट 2 मैच में 2 रन है। सो इनके परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं, लेकिन आप किसी प्लेयर को अवॉइड नहीं कर सकते हो और किसी को कमजोर भी नहीं समझ सकते हो। और यहाँ पर गुलबदीन नायब की बात करें तो 91 मैचों में 1016 रन के साथ साथ 53 विकेट है। और यहाँ पर करीम जन्नत की बात करें तो 48 मैच में 631 रन के साथ साथ 50 विकेट है। और यहाँ पर बकरुल्ला इशक की बात करें तो 4 मैच 40 रन और 2 विकेट है। और सफिकुल्ला जफारी की बात करें तो 7 मैचों में 73 रन के साथ साथ 2 विकेट है। यहाँ पर हमीर हमजा की बात करें तो 48 मैचों में 89 रन के साथ साथ 45 विकेट है। यहाँ पर सैयद शिरजाद की बात करें तो 19 मैच 60 रन और 27 विकेट है फ्रेंड। आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर में मोहम्मद शहजादे को ले लीजिएगा, क्योंकि वो एक हार्ड हिटर है और T10 फॉर्मेट के लिए एक अच्छे प्लेयर है। और यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो जन्नत, साहिदी और बी अली को ले सकते हो यहाँ पर। और ऑलराउंडर की बात करें तो गुलबदीन नाइब, के जन्नत और एस कमल है फ्रेंड। यहाँ पर गेंदबाजी में बात करें तो यहाँ पर एस जदरान, एन अहमद, नूर अहमद, अब्दुल्ला मजारी और शिरजाद है फ्रेंड। यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर एस कमल, शहजादे, साहिदे, जदरान, जदरान, एस जदरान और गुलबदीन नायब को ले सकते हो फ्रेंड्स, आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पे। और यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो लास्ट 5 मैचों में मिस सैनिक नाइट्स ने एक ही मैच हारे हैं और 4 मैच जीते हैं। सो इनके परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरीन है। यहाँ पर बुश डिफेंडर्स की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 5 मैचों में 1 मैच जीते और 4 मैच हारे, तो बुश डिफेंडर्स की फिलहाल परफॉर्मेंस बहुत खराब है।
और यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों टीम के बीच तो सेम है, एक मैच मिसाना इग्नाइट्स ने जीता और बूस्टी पेंटर्स ने एक मैच जीते हैं। यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो पिच थोड़ा इस पिच पे भी स्पिनर्स के लिए सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 160 रन, 154 से 154 से 160 रन तक बन सकता है। यहाँ पर पहला बैटिंग करने वाली टीम 40% रहता है और बॉलिंग पहला टीम करने वाली टीम 60% जीत सकता है। यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो क्लियर स्काई रहने वाला है, कोई बारिश की मौसम नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो 26.75 डिग्री सेल्सियस है फ्रेंड। यही है फ्रेंड्स पूरी टीम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड नाइट।